हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जय एडिटिंग। तो गाइस, हम लोग आज इस वीडियो में कुछ इस तरह के फ़ोटो को कलर ग्रेडिंग करके लाइटरूम एप्लीकेशन मदद से हम लोग पिंक गुलाबी कलर टोन डालने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बढ़ रहे हैं, तो चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। तो गाइस, लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अपने इमेज को ले लेते हैं जिसको हम लोग एडिट करने वाले हैं। तो ये रहा, इसको हम लोग पोस्टर साइज में क्रॉप कर लेते हैं 4.5 रेशो में। ठीक है, वैसा आप लोग को भी कर लेना है और थोड़ा स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डन करते हैं। फिर दोस्तों, चलते हैं कलर्स वाले ऑप्शन में। इसके बाद इसका टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, करीबन 25 रखेंगे। उसके बाद टिन को भी हल्का से बढ़ा लेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मिक्स वाले कलर में चलेंगे। बस रेड कलर का यू को थोड़ा बढ़ा लेंगे करीबन 50 के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, ऑरेंज कलर में चलते हैं, जो चेहरे कलर होता है उसको सिचुएशन को माइनस की ओर रख लेंगे करीबन 30 में। उसके बाद लुमिनेंस फुल बढ़ा लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, येलो कलर में चलते हैं। देखिए, येलो कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, यू को 100% माइनस रख लेते हैं। उसके बाद सिचुएशन को 50 के आसपास रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को आगे चलना है ग्रीन कलर पे। ठीक है, ग्रीन कलर में सिचुएशन और यू दोनों को माइनस रख लेंगे 100%। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे एक्वा ब्लू कलर में। इसके सिचुएशन कम कर लेंगे, ल्यूमिनेंस बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद हम लोग को ब्लू कलर में जाना है, जो ब्लू कलर है उसको वाइट करना है। तो इसके लिए सिचुएशन 100% माइनस, और बैगनी और गुलाबी का सिचुएशन दोनों कम कर लेंगे। ठीक है, तो इतने हम लोग का, और लुमिनेंस थोड़ा बढ़ा लेते हैं गुलाबी का। इतने में हम लोग का इमेज तैयार हो गया, उसके बाद हम लोग डन करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम लोग को चलना है कलर ग्रेडिंग के आइकॉन जो 3 डॉट का बना हुआ है ऊपर में, उसमें टच करते हैं। उसके बाद साइडों को हम लोग रखेंगे ऑरेंज कलर में, उसका कैपेसिटी थोड़ा कम कर लेंगे करीबन 30-25 के आसपास रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं मिड पॉइंट छोड़ के हाईलाइट में। हाईलाइट को गुलाबी कलर रखेंगे, उसको भी इंक्रीज करेंगे थोड़ा अंदर की ओर रखेंगे 25 के आसपास। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का इमेज कुछ पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। उसके बाद दोस्तों, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, नीचे वाले ऑप्शन पे। उसके बाद टेक्सचर को हल्का से बढ़ा लेना है, क्लैरिटी को घटा लेना है, और डीएस को थोड़ा बढ़ा लेना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद विग्नेट को हम लोग करीबन रखेंगे -50 के आसपास नीचे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, हम लोग इसको डन करते हैं। उसके बाद नीचे ट्राइंगल वाले पुल्स पर चलते हैं, उसमें शार्पिंग को बढ़ाएंगे, जूम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शार्पिंग को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद नॉइज रिडक्शन, जो नॉइज रहता है उसको। उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन, जो कलर नॉइज रहता है उसको घटाएंगे, बढ़ाएंगे दोस्तों, क्लीन दिखे अच्छे से। उसके बाद डिटेल और स्मूथनेस, इसको 100% कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, अच्छे से जूम कर लेना है। उसके बाद हम लोग को हीलिंग्स वाले टूल्स में जाना है, जो ऊपर में जो स्टिकर टाइप का आइकन बना है। उसके बाद हम लोग अपने चेहरे को टच करेंगे, जहाँ जहाँ दाग धब्बा है, जहाँ पर ये है। उसके बाद दूसरा कलर आ गया तो उसके हिसाब से मैच अपने चेहरे को घुमा लेंगे, तो ऑटोमेटिक वो फील हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद हम लोग को आगे चलना है। उसके बाद दोस्तों, ऊपर में जो गोल आइकन दिख रहा है, उसे सेलेक्टिव टूल करते हैं, उसमें चलते हैं, प्लस में चलते हैं, मतलब बीच वाले सर्कल वाला ले लेंगे दूसरे नंबर पे। सर्कल बना लेते हैं अपने मॉडल के ऊपर, और उसके बाद हम लोग इसका एक्सपोजर बढ़ाते हैं। सर्कल है, उसमें बीच बिंदु है, उसको टच करके रखेंगे, इन्वर्ट में करेंगे। उसके बाद इसके हाईलाइट को माइनस की ओर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, चलते हैं शैडो को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइट को भी हल्का से बढ़ा लेंगे 10 के आसपास। उसके बाद ब्लैक को माइनस की ओर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो भी 20 के आसपास। उसके बाद दोस्तों, नीचे में त्रिभुज आकार का टूल्स बनाए, उसमें चलते हैं, उसमें नॉइस को बढ़ा लेते हैं और शार्पिंग को भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसको डन करते हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर में सेलेक्टिव टूल है गोलाकार का, उसमें चलते हैं, उसमें प्लस लेते हैं, उसमें चरकोन वाला लेते हैं, उसके बाद नीचे राइट ऐसी बना लेते हैं, एक्सपोजर कम करेंगे और इसमें डीएस को कम बढ़ाएंगे, टेस्ट को बढ़ाएंगे, लड़ी बढ़ाएंगे। चौथे नंबर पे त्रिभुज वाला ऑप्शन है, उसमें जाएंगे, उसके बाद नॉइज और सर्फिंग को बढ़ा लेंगे। इसी चारों तरफ सर्कल लेके हम लोग डाल लेंगे इसमें एक्सपोजर, कंट्रास्ट, टेक्सचर और नॉइस और क्लैरिटी और सर्फिंग को सबको बढ़ा लेंगे। इतना सब कुछ चारों तरफ करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इमेज तैयार हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, होगा या कुछ गलती मिला होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।